नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। मधेपुरा में जो लोग सपना देख रहे थे कि कब टाटा का सर्विस सेंटर, टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का सर्विस सेंटर खुलेगा, तो आज उन लोगों का इंतजार खत्म हो गया। आज मधेपुरा में टाटा सर्विस सेंटर का उद्घाटन हो गया है और बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग कराने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी लोग हैं, उनसे हम चलिए बात करते हैं कि आज जो यहाँ पहुँचे हैं क्या उम्मीद थी उनकी सर्विस सेंटर से और कितना उम्मीद पर खड़ा उतर पाया यह सर्विस सेंटर। सर, गाड़ी लेके आए हैं आप? हाँ जी। कौन सी गाड़ी है? ये नेक्सॉन है, ऑटोमेटिक। मधेपुरा में आज उद्घाटन हुआ है सर्विस सेंटर का। हाँ जी। क्या सुविधाएं आप लोगों को से मिलेगी? आज तो उद्घाटन है तो देखने से बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग को नज़दीक में हो गया ये सुविधा, ये तो अच्छी बात है। नहीं तो हम लोग को पूर्णिया जाना पड़ता था, ये नज़दीक में है तो अब अच्छा है। और आज लोगों को बहुत सुविधा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है। घर? सौर बाजार। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजीव कुमार है। कहाँ से आए हैं? अभी हम सौर बाजार सहरसा से आए हैं। कौन सी गाड़ी है आपकी? मेरा टाटा नेक्सॉन AMT है। मधेपुरा में आज सर्विस सेंटर का उद्घाटन हुआ है, क्या लगता है क्या सुविधाएँ मिल रही है वहाँ पे? जैसा देख रहे हैं हमको तो लगता है बहुत अच्छा रहेगा और सारा सुविधा है, स्टाफ भी बहुत अच्छे सब हैं और काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और सारा व्यवस्था देख रहे हैं हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मधेपुरा में सर्विस सेंटर खुल गया है तो यहाँ इधर के जो लोग हैं जो बाहर जा रहे थे, क्या लगता है कुछ राहत मिलेगा? बहुत राहत मिलेगा। हम लोग को पूर्णिया जाना पड़ता था, 100 किलोमीटर का रनिंग करना पड़ता था, भर दिन का समय वेस्ट होता था, सुबह सवेरे उठ के जाना पड़ता था। अब क्या है, तुरंत आ जाएंगे, बहुत सुविधा हो गया है और ये बहुत ज़रूरी भी था मधेपुरा के लोगों के लिए, सहरसा के लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है और मेरे ख्याल से काफ़ी सुविधा मिलेगा लोगों को। क्या नाम है सर? राजू रंजन। कहाँ से आए? रतनपुरा से। गाड़ी कौन सी है? टियागो टाटा। मधेपुरा में सर्विस सेंटर का उद्घाटन हुआ है? हाँ, आज हुआ है सर्विस सेंटर का उद्घाटन, बहुत अच्छा हुआ है, हम लोग को नज़दीक में है सारा बात है। पहले कहाँ जाते थे? पहले पूर्णिया जाते थे। काफ़ी असुविधा होती होगी आप लोगों? बहुत सुविधा है, समय का सुविधा है, सब चीज़ का सुविधा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, अच्छा व्यवस्था, सारा सिस्टम ठीक ठाक है। क्या नाम है सर? राजेश कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? सिंहेश्वर गोविंदपुर से। कौन सी गाड़ी आपकी? टाटा जैस्टा। सर्विस करवाने आए हैं? सर्विस करवाने आया मोबाइल सेंटर में। मधेपुरा में उद्घाटन हुआ है सर्विस सेंटर, बहुत अच्छा, ठीक है। नहीं तो पूर्णिया जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ ठीक है, बहुत खुल जाने की सुविधा लोगों को, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, बहुत बढ़िया है, काम सही से हो जाएगा, टाइम का बचाव होगा, बस सही से सुविधा बढ़िया है, समय का बचत हो जाएगा। क्या नाम है? जी छोटू कुमार। कहाँ से आए हैं? मधेपुरा वार्ड नंबर 4 से। कौन सी गाड़ी आपकी? टाटा नेक्सॉन की। मधेपुरा में सर्विस सेंटर का उद्घाटन हुआ है, आप पहुँचे हैं, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा व्यवस्था है, पहले पूर्णिया जाना पड़ता था, नज़दीक में हो गया, पूरा मधेपुरा वासी सहरसा सुपौल सबको सुविधा मिलेगी, पास में सर्विस सेंटर खुल गया है तो समय का भी बचत हो रहा है। समय का बहुत बचत हो रहा है। खुश है? बहुत खुश है।